क्या आपके पास एटीएम कार्ड है और आप जो है एटीएम कार्ड का पिन भूल चुके हैं, तो अब आपको बैंक जाके चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया हूं, जिससे अगर आप अपने एटीएम कार्ड के पिन भूल चुके हैं तो उसको कैसे रिकवरी करेंगे, यानी उसको कैसे जनरेट करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में आपको क्या करना है, इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करते ही उसको क्या कीजिए, ऑल कर दीजिए। अगर ऑल कर देते हैं ना कहीं रुके सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूं कि अगर आपका एटीएम कार्ड है और आप जो है एटीएम कार्ड का पिन भूल चुके हैं, आपको याद ही नहीं है कि क्या पिन है, तो मैं आपको वो सारा तरीका बताया हूं जिससे आप अगर पिन जो भूल चुके हैं एटीएम पिन, तो उसको जो है आप किस तरीके से जनरेट करके किस तरीके से उसको वापस लाएंगे। तो अगर आप यही काम करवाने के लिए या दुकान वाले के पास जाइएगा तो वहाँ पर भैया आपको 100 रुपये से कम लेगा नहीं। अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में वहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइन लगाना पड़ेगा, वहाँ पर हरासमेंट परेशानी भी होगा और वहाँ पर पता नहीं कि करेगा या 2 दिन या 1 हफ्ता के बाद आपको बुलाएगा यही काम करने के लिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको 4-5 मिनट का टाइम देना है और 4-5 मिनट में ही जो है आप अपने एटीएम कार्ड के पिन को जनरेट करके उसको वापस ला सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया हूँ जिससे आप बहुत ही इजी तरीका से जो है अपने एटीएम कार्ड के पिन अगर आप भूल चुके हैं तो उसको वापस ला सकते हैं। तो कैसे आप अपने एटीएम कार्ड के पिन को जनरेट करके वापस लाएंगे, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप सीख पाएंगे किस तरीके से एटीएम कार्ड के पिन को जनरेट करके वापस लाया जाता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पिन जनरेट करना नहीं आता है तो इस वीडियो में आप ये सीख पाएंगे किस तरीके से एटीएम कार्ड के पिन को कैसे जनरेट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइपिंग करना है SBI। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है SBI, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है कंटिन्यू टू लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले क्या करना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड, इसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो कैप्चा को इस तरीके से रिफ्रेश कर लेंगे और जो भी कैप्चा आएगा वो कैप्चा आपको यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे OTP आएगा, मतलब 1 टाइम पासवर्ड आएगा, आपको यहाँ पे डाल देना है। तो बैंक में आपके पास जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल पे जो है 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करना है। सबमिट वाले पे क्लिक करते यहाँ पे देखिए आप जो है यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग में यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ इस सर्विस पे कर्सर रखिएगा तो यहाँ पे ATM कार्ड सर्विस है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ATM पिन जनरेट, आपको इस वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए कि आप जो है पिन जनरेट करना चाहते हैं, आप जो है 1 टाइम पासवर्ड मतलब मोबाइल के द्वारा जो है आपके जो बैंक मोबाइल है लिंक किए हुए हैं उसके द्वारा जो है आप जो है पिन जनरेट करना चाहते हैं या प्रोफाइल पासवर्ड के द्वारा, तो आप जो है सिंपली क्या कीजिए, 1 टाइम पासवर्ड मोबाइल पे जो है मैसेज भेजाइए और वहां से जो है आप इसको जनरेट कीजिए। तो देखिए आपके मोबाइल पे आ गया होगा, जैसे मेरे मोबाइल पे यहाँ पे आ गया है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इसी तरीके से आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है पासवर्ड डाल के सबमिट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कीजिएगा, जैसे सबमिट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो है यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको जो अकाउंट आ चुका है, अकाउंट टाइप ब्रांच, यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक कीजिएगा। इसे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कार्ड का नंबर आ चुका है, कार्ड होल्डर का नाम और यहाँ पे जो है कार्ड स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको क्या करना है, पहले इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कीजिएगा, जैसे सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि बोला जा रहा है ATM पिन जनरेट। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि इंटर फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ योर डिजिट पिन, मतलब बोला जा रहा है कि आपके फर्स्ट आप पिन का जो 2 नंबर है वो यहाँ पर डाल के यहाँ पे सबमिट कीजिएगा और जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपके जो है नया पिन यहाँ से जनरेट करने का ऑप्शन यहाँ पे आपका आ जाता है, यहाँ से जो है उसका पिन जो है जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो है फर्स्ट 2 डिजिट है जो आपके जो कार्ड के जो है
हर्ष का टू डिजिट आपको यहाँ पर डाल के यहाँ पर सबमिट कीजिएगा, और यहाँ पर फिर से क्या होगा, ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आप अपना जो भी पिन बनाना चाहते हैं आप अपना जो यहाँ पर पिन जो है डाल सकते हैं, और पिन डालने के बाद यहाँ पर चार डिजिट डालना पड़ता है, तो फिर डाल के यहाँ पर सबमिट वाले पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से जो है आपका पिन जनरेट हो जाता है। मेरे पास ऑलरेडी जो है यहाँ पर पिन जो है जनरेट हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको यहाँ से आगे का प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ, बट यहाँ से जो है सेम ही प्रोसेस है। यहाँ पर अपने जो है कार्ड का फर्स्ट का टू डिजिट डालना है, सबमिट वाले पे क्लिक करना है, इसके बाद जो है नया पिन आपको क्या रखना है वो डाल के सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका जो है एटीएम का पिन जो है यहाँ पे आपका जनरेट हो जाता है। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से अगर आपका एटीएम है और आप अपने एटीएम कार्ड के पिन को भूल चुके हैं तो उसको कैसे आप जनरेट करके उसको कैसे वापस ला सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।